पति है और मैं इन दोनों को लेकर ताजमहल जा रही हूँ। हाँ, नई स्टाइल की रिक्शा में अभी मैं बैठ गई हूँ, उतरूंगी तो ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे। आप दोनों लोग आगे आ जाएंगे, अभी देखते हैं सेटिंग हो रही है। अभी कितने मेंबर का आगे बैठेंगे, मास्क हमने ले लिया, बाकी सारी चीजें तैयारी कर ली है। तो देखा नहीं तो कुछ पता नहीं। हमने वेस्ट गेट से एंटर किया, ताजमहल के वेस्ट गेट से, क्योंकि गूगल मैप तो मैं ही थी, मैंने तो सारा रास्ता बताया इन लोगों को। मेरे उससे ही तो आई सारे गाइड। हमारे घर तो बहू आई तो घर चल रहा है, नहीं चल रहा था। पहले तो शांति थी, बिल्कुल भूचाल आ गया, धूप आ गई है, तो अब अंदर जाके बात करते हैं। अंदर जाके नहीं रुक गया, उसकी फोटो सुथरी नहीं आई। मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही, अब बिल्कुल धूप पड़ रही है, तो अंदर जाके बात। और पाच लिया अभी तो दिल्ली निकल जाए तो मेरा नहीं पता है। ट्राई करो, ट्राई करो माँ। और ये माँ नवदीप को सबक सिखाने के लिए। लेकिन नवदीप पल्ला तो मिला, ये हमारी चाल थी कि हम देख रहे थे इसको पता चलेगा कि नहीं। स्कैन करो और पे करो, बट यहाँ पे नेट की बहुत इशू है, कैमरा वगैरह का इशू है, बट शॉप से हम वहाँ पर जाके भी करवा सकते हैं। ताजमहल की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, देखते हैं आज। मैं और माँ पहली बार देख रहे हैं, नवदीप ने पहले भी देखा हुआ है ताजमहल, तो अभी देखते हैं। एंट्री हम कर चुके हैं, लोकल जनरल गेट। एक्चुअली जितने लोकल पीपल्स होते हैं वो ताजमहल के अंदर आके ज्यादातर बेस्ट गेट पे करते हैं, क्योंकि ईच गेट VIP गेट है। समटाइम जितना भी सेलिब्रिटी VIP ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, उन सबको ताजमहल के ईस्टर्न गेट से एंट्री दिया जाता है। जैसे कि जैसे ट्रम्प आए थे, आपको बता दूँ, और बिल क्लिंटन जो भी आते हैं, वो परवेज मुशर्रफ, सभी VIP सेलिब्रिटीज उसी गेट से एंट्री करते हैं। लास्ट मंथ यहाँ पर एक मूवी शूट हुआ था अक्षय कुमार का, प्रभास का, और सैफ अली खान की बेटी का, सारा खान का, कौन सा इश्क या कुछ ऐसी मूवी का नाम था। अच्छा, तो अच्छी मूवी है जिसमें नसरुद्दीन शाह वगैरह सब आए थे। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग ओवर देयर। ओके, सबसे पहले आप सबका स्वागत है ताजमहल के अंदर। आप लोग एंट्री कर लिया है, अभी आप लोग ताजमहल के जिस एरिया में खड़े हैं, इस एरिया को फोर फोर्ट एरिया बोला जाता है। यहाँ पर ताजमहल के फोर गेट एंड फोर गार्डन्स बनाए गए हैं। इस ताजमहल का फर्स्ट एंट्रेंस गेट यहाँ पर ईस्टर्न गेट होता है, सेकंड वेस्टर्न गेट, थर्ड साउथ गेट, फोर्थ नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट VIP गेट है। समटाइम जितना भी सेलिब्रिटी VIP ताजमहल देखने आते हैं, सबको ईस्ट गेट से एंट्री मिलता है। वेस्ट गेट से ज़्यादातर लोकल पीपल एंट्री करते हैं। बैक साइड पे जो गेट देखिए, इसको साउथ गेट आई मीन लेबर कॉलोनी गेट बोला जाता है। सो दैट टाइम 20,000 लेबर इस ताजमहल को बनाने के लिए काम करते थे, वो सभी लेबर लोग इस गेट के बैक साइड में रहते थे। आज भी उस लेबर का 17 जनरेशन इस गेट के बैक साइड में रहता है, और वो सभी लेबर वही वर्क करता है जो ताजमहल को बनाने में 400 ईयर्स बैक पहले किया गया था। ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है, इसको ताजमहल का रॉयल गेट बोला जाता है। रॉयल गेट एक्चुअली एक, सो दैट टाइम ऑल द रॉयल फैमिलीज, ऑल द रॉयल पीपल अलाउड टू गो इनसाइड ताजमहल ओनली फॉर द रॉयल गेट। एंड द रॉयल गेट हाइट इज अबाउट 105 feet, अबाउट 35 meters। And everybody who is looking on the top, you can see the small, small dome, white one. You can count how many dome on the top. 3, 6, 3, 9, 10, 11. Right, 11 here, 11 exact back side, 11 plus 11, 22 domes. Actually, those days, no calculator, no calendar, no computer. So that time, all Taj Mahal completed 22 years, according to Moon and Google, like a Muslim creator.
all the Muslim people, all the Muslim festivals depend on the moon. Because this building king named Shahjahan, he is also the Muslim king. Okay, so every each year, but we took on the top and 22 years to build this Taj Mahal, 22 don't remain in. And you can see all the flower design is there. This all of the flower look like the color, like a painting. But this is not a painting. All the gems stone put in the marble. First take out the marble, then put inside all the stone. Okay, you can see the red stone. Red stone that time come from Belgium in Europe. So, sorry, red stone that time come from Yemen. And you can see the green stone is there. Green stone is from Malachi. Malachi stone that time come from South Africa. Okay, and you can see this letter, the bottom to top. This is a letter of Quran, holy book letter. But you see this letter, the bottom to top, look like the writing. But actually, this is not a writing. Black stone and black onyx. Onyx stone that time come from Belgium in Europe. Okay, so 1.5 inch stone put in the marble. And everybody was looking for room, four-foot area. Total 210 rooms, and 5 rooms here, and 5 over there. Okay, this is Taj Mahal, world's the best symmetrical building. Everything is covered. Shahjahan actually he has 3 wives. Shahjahan actually king. Shahjahan means king of the world. Okay, Shahjahan he has 3 wives. First 2 wife named Sandri and Fatehpuri Begum, and third wife named Mumtaz Mahal. Shahjahan first 2 wife body buried east and the best at game. And third wife body buried east and the white one. Okay, come into center. But actually this time from the gate the white building 500 meters, half a kilometer. Looks very near. This is called optical illusion. You are standing here and you see the white building. From here looks very near. But you are going inside, see the white building inside, looks very far. Optical illusion. Now then. और 1653 में ताजमहल पूरा बनकर तैयार हुआ। बोले ताजमहल को बनने में टोटल 22 ईयर्स लगा। देखिए 22 डॉम मेन एंट्रेंस गेट आप लोगों को मैंने बताया। इसी तरह 1631 में ताजमहल स्टार्ट हुआ। उसके लिए यहाँ पर मेमोरी अकॉर्डिंग 16 गार्डन बनाया गया। और 1653 में ताजमहल पूरा बनकर कंप्यूटर के लिए 53 वाटर फाउंटेन बनाया गया। ताजमहल जैसा आप सामने देख रहे हैं डिजाइन कलर ऐसे ही आपको पीछे और चारों तरफ देखने को मिलेगा। क्योंकि ताजमहल ऑल फोर साइड एग्जैक्ट सेम है, सिमेट्रिकल। इस ताजमहल के 4 पिलर्स हैं। ऑल पॉपुलर हाइट इज बॉटम टू टॉप 175 फीट का है। सभी पिलर देखने में स्ट्रेट लगेंगे आपको, लेकिन कोई भी पिलर सीधा नहीं है। ऑल द पिलर टिल्टेड आउटसाइड 90 डिग्री सीधे बनाएंगे, 2 डिग्री टेढ़े बनाएंगे सभी पिलर। इन सबको टेढ़ा इसलिए बनाया गया ताकि कभी भी अर्थक्वेक, भूकंप, भूचाल, कोई ऐसी घटना होने पर कोई भी टावर, कोई भी पिलर मेन बिल्डिंग पर फॉल डाउन नहीं होगा और बिल्डिंग के आउटसाइड फॉल डाउन होगा। पिलर के अंदर सीढ़ियाँ भी है। पहले जब भी टूरिस्ट लोग को पिलर में जाना अलाउड होता था, लेकिन 40 या बैक ऑलरेडी ऊपर से गिरी उनकी डेथ हो गई, इसलिए गवर्नमेंट ने ऊपर की जाने की सभी रास्ते बंद कर दिए। ताजमहल के मेन बिल्डिंग का जो हाइट है गार्डन लेवल से 243 फीट है, मीन्स 81 मीटर हाइट। एंड द बैक साइड ताजमहल हाइट 270 फीट, बिकॉज द रीजन इज द काउंट टू गार्डन लेवल एंड द बैक साइड काउंट यमुना रिवर से किया जाता है। एंड आप लोग बड़ा बड़ा डॉम देखेंगे, उस पर आपको छोटे छोटे हुक्स दिखेंगे। वो हुक सन 1971 में लगाए गए थे, इंडिया पाकिस्तान वॉर टाइम। इंडिया पाकिस्तान वॉर टाइम पूरी बिल्डिंग को ब्लैक कपड़े से, ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया था ताकि किसी भी पाकिस्तानी आर्मी या उसके कैसे ताजमहल का व्यू नजर ना आए टॉप पे फ्लाइट से। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया, बिल्डिंग छुप गया। अगर बिल्डिंग नहीं छुपाते तो इसकी स्पेशलिटी है ताजमहल की, एवरी नाइट पूरा ताजमहल का मार्बल फुल मिल्की व्हाइट कलर में दिखता है। एंड द फुल मून नाइट टाइम ऑल द बिल्डिंग व्हाइट मार्बल ट्रांसपेरेंट होता है। एंड द सेकंड थिंग, इसके अंदर रेड स्टोन लगाया गया है। रेड स्टोन की स्पेशलिटी है फुल मून नाइट रेड स्टोन एक्चुअली स्पार्क करता शाइन। इसका टिकट 540 का है फुल मून नाइट का, बट अभी क्या है कि आफ्टर द कोविड उसको क्लोज कर दिया गया है, अभी शो को अलाउड नहीं किया गया है। तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे स्टोन वगैरह सब शाइन करते हैं, प्रैक्टिकली आपको अंदर दिखाएंगे कैसे ग्लो करता है रेड कलर स्टोन और मार्बल। एक्चुअली जो पेनिकल है देखने में काफ़ी छोटा फील होता है, और जो पेनिकल का साइज है बॉटम टू टॉप वो है 10 मीटर 31.6 समथिंग 10 मीटर। ये पेनिकल पूरा भी ब्रास का है, लेकिन सो दैट टाइम पहले के ज़माने में पूरा गोल्ड का होता था। 40 kg गोल्ड का पेनिकल बनाकर रखा गया था ताजमहल के टॉप साइड पर। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रास का है, और जो गोल्ड का था वो भारत में जब अंग्रेज लोग राज किया तो वो गोल्ड का पेनिकल निकाल कर ले गए। ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस करवा कर रखवाया है। ऊपर जो मून देखते हैं चंद्रमा, यहाँ से देखने में काफ़ी छोटा फील होता है लाइक दिस, बट एक्चुअली मून साइज 5.5 फीट का है वो।
ठीक है ना, राइट इनटू रेडस्टोन का बिल्डिंग से वो ताजमहल का मेहमान खाना है, वीआईपी रॉयल गेस्ट हाउस। सो दैट टाइम शाहजहां के जितने भी वीआईपी रॉयल गेस्ट ताजमहल के लिए को देखने के लिए आते थे उन सबको उसी में स्टे कराया जाता था। गेस्ट हाउस में रूम टेबल बेड सिस्टम नहीं है, एक बड़ा हॉल है। उस जमाने में सिर्फ गेस्ट अलाउड था ताजमहल के अंदर, और आज भी गेस्ट अलाउड है, बिकॉज द रीजन दिस इज अ ग्रेवयार्ड एरिया, दिस इज नॉट अ पैलेस। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दिन में ही रोका जाता था। गेस्ट हाउस का सिमिलर बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मॉस्क बोला जाता है। एवरी फ्राइडे ताजमहल क्लोज जस्ट 2 hours ओपन, ओनली मुस्लिम पीपल आउट हियर ऑन फ्राइडे, बिकॉज द रीजन 2 hours ऑफ मुस्लिम प्रे हियर। ओके, इसलिए इसको ओपन किया जाता है। सो दैट टाइम शाहजहां बिल्ड दिस ताजमहल टू मेमोरी हर वाइफ मुमताज महल, बट शाहजहां प्लानिंग वन मोर ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। दिस ताजमहल एक टाइप का बैक साइड या मेरे पास सेकंड साइड, बट एक्चुअली यू नो शाहजहां नाउ फॉरेन जे हिज फादर यू नो कैप्टन आगरा फोर्ट, इसीलिए उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया ताकि वो एक और ब्लैक ताजमहल नहीं बनाए। अब हम मेन म्यूजियम में आ गए, और यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब शाहजहां ने ये बनाया था तो वो बैंकक्रप्ट हो गया था, दिवाला निकल गया था, बट और जो उसका बेटा था औरंगजेब वो नहीं चाहता था कि वो एक इस पे और कोई पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो पूरा पब्लिक का अमाउंट इस पर इन्वेस्ट कर रहा था, और उसने पूरा पब्लिक का पैसा यूज़ करके ये बनाया है अपनी वाइफ के लिए। और वो सेम ताजमहल वो ब्लैक कलर में इसके बैक साइड में बनाना चाहता था, जहाँ पे वो अपनी कब्र के लिए जगह बना रहा था कि वहाँ पे मुझे दफनाया जाए। और लेकिन उसका जो बेटा था वो ये चीज़ नहीं चाहता था, और औरंगजेब उसको नहीं पसंद था कि वो इस पर और भी पैसा लगाए। तो उसने अपनी बेटियों को अपनी लास्ट इच्छा बताई कि अगर तुम मुझे वहीं पे जो शाहजहां की वाइफ थी वहीं पे मुझे अगर दफनाते हो तो मुझे मेरी उसको शांति मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने एक उनको गुप्त कह सकते सीक्रेट रास्ता बताया कि हाँ भाई तुम इधर से जाइयो, और हाँ तुम लोग इधर से जाना और मुझे वहाँ दफन कर देना। तो वो उधर से सीक्रेट रास्ता जाकर और यहाँ पर उसकी बॉडी को फिर लगाया गया। मास्क का लॉजिक क्या है मेरे को समझ नहीं आता, वैसे बस टांग के चले हुए हम लोग है ना। आगरा में कोई ऐसे नहीं, दिल्ली में सच्ची बहुत है। हाँ दिल्ली में बहुत है, यहाँ पर तो दिल्ली में बहुत चलान करते हैं, यहाँ पे बस दिखाने के लिए होना चाहिए मास्क हमारे पास। यहाँ हमने जूतों के भी मास्क पहन लिए। ये है कि यहाँ पे इसलिए पवित्र जगह है, और यहाँ पे पहले शूज लाना अलाउड नहीं था, बट अब लाना अलाउड है, लेकिन हमें ये कवर करके आना चाहिए कि नीचे का रेत ऊपर ना आए, पवित्र स्थल है ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे ये देखो इसकी सफाई हो रही है, हर 2-2.5 साल 3 साल में इसकी सफाई हो जाती है, शायद इसलिए इतना मेंटेन है। बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें हैं इधर, जो भी अच्छा है। ताजमहल सेंटर व्यू, साउथ गेट, नॉर्थ गेट एंड मुमताज बॉडी बरेड इनसाइड दिस लाइन। तो कैसे पता चला ये सेंटर है भाई, क्या निशानी? हम लोगों ने जो है यहाँ पर जब आके देखा था कि बिल्डिंग सिमेट्रिकल है कि नहीं, चेक किया गया, तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट लगा के चलेगा। सो यू आर द स्टैंडिंग एंड यू कैन लुक द बॉट साइड, गेस्ट हाउस एंड मॉस्क पिलर एंड दिस गेट द होल बॉक्स इज द सिमेट्रिक, एवरीथिंग सिमेट्रिक इन दिस पॉइंट, यू स्टैंड एंड सी। 42 नंबर है, नंबर ऑफ 42, जस्ट लाइक अ हिंट ऑफ पॉइंट 42 नंबर, नॉट लॉजिक दिस पॉइंट 42। For everybody, look at that place, there's a beautiful garden. This is the garden, it's called now Mehtab Garden. At time, Shahjahan planning, one more the Black Taj Mill for himself is there. But actually, Shahjahan son of Aurangzeb, his father planning to stop it. Because the reason, that time Shahjahan built this Taj Mahal, so much money spent in this building. So Aurangzeb not like his father. So Aurangzeb not giving to permission his father. So Shahjahan actually nahi banayenge Black Taj Mill. So Aurangzeb, his father captured to Agra Fort is there. You are the looking, the white tree dome is there. That is the Shahjahan house. This house, it's called Mushamman Burj. So there the Aurangzeb, his father captured. So 8 years, after the arrest of Shahjahan, 8 years, prison is there. Son 1658 and son 1666. 8 years, उन्होंने ताजमहल वहाँ से देखा मिरर के अंदर, जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन व्यू। ओके सर, 1686 में 1666 में उनका वहीं डेथ हुआ। डेथ के बाद उनका जो बेटी था अपने फादर की बॉडी को यहाँ बरीड किया गया। शाहजहां एक्चुअली ही हैज 3 वाइफ, फर्स्ट 2 वाइफ नो किड नो चिल्ड्रन नो डिलीवरी एंड थर्ड वन द मुमताज महल, 14 बच्चे हुए थे तीसरी वाइफ को, 14 में आज का डेथ हुआ था। 6 लैप्स, 4 सन 2 डॉटर, डॉटर नेम रोशनारा जहानारा, सन नेम दारा मुराद शुक्र औरंगजेब, औरंगजेब नंबर ऑफ थर्ड, तो औरंगजेब
का जो फाइट हुआ सभी भाइयों से, तो उसमें औरंगजेब ने सबको मार दिया और फिर मुगल के राजा बने। आपको बताना चाहेंगे इस ताजमहल का जो फाउंडेशन है, इसके नीचे 68 वाटर बैल बनाए गए हैं, पानी के कुएं। कुएं बनाने के बाद उसके ऊपर एक लकड़ी रखा गया है, वो लकड़ी को कहा जाता है टीक बुट। लकड़ी की खास बात है कि उसको जितना वाटर मिलता है वो लकड़ी पानी से उतना ही मजबूत होती है। 450 साल हो चुके हैं ताजमहल को बने हुए, अभी तक इसके फाउंडेशन को कोई भी नुकसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जितने भी वाटर वेल बनाए गए सबको यहाँ से कनेक्ट किया गया। इन फ्यूचर वाटर वेल का वाटर लेवल डाउन होता है तो ये पानी नीचे आएगा, उनको वापस रेन्यू कर देगा। आगरा का गंदा पूरे नाले से कनेक्ट है, गेस्ट हाउस ये सारे नाले का पानी इसमें छोड़ा जाता है। नहीं नहीं, उनका अलग रास्ता है, फिर भी डटी गंदगी आ जाती है। मस्जिद है, कुछ कुछ एरिया ऐसे जिससे पानी थोड़ा सा इस तरफ आने लगता है। और इस साइड में मक्का होता है ना, इसमें इतना प्रोसेस भी नहीं है कि लकड़ा वगैरह वहीं अटक जाए और पानी पानी फ्लो करे ना। ऐसा बनाया है लेकिन फिर भी पानी अपनी जगह बना लेता है, जैसा कहा जाता है पानी को रोक नहीं पाएंगे आप। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, यमुना के आसपास सिक्योरिटी रखनी होगी, लोगों को कैमरे रखने होंगे जिससे कि फोकस कर सके जो इसमें गंदगी फैला रहा है उसे रोका जाएगा। क्योंकि यमुना बहुत बड़ा एक वो होता है प्लांट और सॉरी जगह अच्छी, मतलब यमुना आपका ताजमहल है और वंडर सेवन वंडर्स में जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड में ऐसा है गति यमुना मिले तो बहुत ही बैड फील करते हैं सभी फाउंडर लोग बहुत बैड फील करते हैं और कहते हैं हमसे फाउंडर सभी आ नहीं रहे हैं बट बहुत बैड फील करते हैं, कहते हैं कि यार अगर हमारे देश में होता तो हम इसको कांच में पूरा इसको जो यमुना को पूरा कांच की तरीके से उसको पूरा पैक कराए तो उसके ऊपर भी आप घूम सकते थे यमुना का ऐसा व्यू निकालते हैं। और चाइना में तो ये बोलते हैं कि इसको ग्लास से पूरा कवर करके पूरा एक साल में समर कूल जो ठंडा होता है उस तरीके से बना देते ताकि आप लोग को गर्मी में आने में बहुत गर्मी लगती है ना यहाँ पर, तो इसलिए आपको ठंडा फील हो। आ जाओ आपको गेस्ट हाउस दिखाते हैं। आजकल तो गेस्ट हाउस कितने छोटे छोटे होते हैं बट जो यहाँ पे गेस्ट हाउस है भाई साहब पूरा एक महल है अपने, तो पूरे घर से विला से बड़ा एक यहाँ पे से गेस्ट हाउस है। ये देखिए मैं पीछे जाओ देख पा रहे हैं सारा गेस्ट हाउस है यहाँ पे। लेकिन गेस्ट हाउस में से रहना नहीं होता था, सिर्फ डाइनिंग अलाउड थी, तो जो भी रॉयल गेस्ट आता था खाना पीना खाता था यहाँ पर रॉयल तरीके से वो यहाँ रहा करता था। रॉयल एंट्री भी है यहाँ पे, गेट है जो सिर्फ VVIP लोग जाते हैं, फॉरनर जाते हैं और उसको रॉयल एंट्री गेट भी बोला जाता है कि वहाँ से रॉयल लोगों को ही एंट्री मिलती है, इंडियंस को आम लोग माने जाते हैं। तो बाकी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है ताजमहल, देखने लायक चीज़ है। हाँ एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये है कि जो इसके पीछे यमुना है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो बीइंग एन इंडियन और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहीं कुछ ना कुछ हमें ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि हम इसको साफ कर सकें। क्योंकि ताजमहल आप देखते आएंगे ना जब स्टार्टिंग से एंटर करेंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर देखते आते और लास्ट में आगे आपको दिखते आता है ये क्या, क्योंकि उसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे एक ब्लैक ताजमहल बनना था जो किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो उसकी वजह से वहाँ पे जगह खाली नहीं है बस। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, देखने लायक है। चले ताजमहल को हमने टाटा बाय बाय कह दिया है, वैलेंटाइन डे पे लगता है अगले साल फिर बुलाएगा ताजमहल हमें, कहते हैं कि वापस मुड़ के देख लो तो दोबारा बुलाता है और जैसे दोबारा नहीं आता वो मुड़ के मत देखना। So if you guys are planning to come again to Taj Mahal, so just have a look again while you're going out. Bye bye करना। अगर आने का प्लान ना हो तो कभी मत देखना। तो अब हमने तो फेस ही कर रखा है ताजमहल की तरफ, शायद दोबारा आएंगे, देखते हैं किस्मत क्या कहाँ लेकर आती है, ये ऐसी स्टोरी है। तब बाय, चलो सी यू, टाटा बाय 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 ताजमहल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ये वाला ताजमहल का ट्रिप। हम सुबह चले थे वृंदावन से चल के आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता था हमारा, तो 1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे आगरा। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया फिर ताजमहल आए। तो यहाँ पे अभी जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो आ रही है बुकिंग करने में। दिक्कत ये कि ऑनलाइन बुकिंग ही ओनली ओपन है और जो नॉर्मल टिकट काउंटर है वो सब बंद है। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की और 245 रुपये फ़ीस थी आई गेस। जो ऊपर मकबरा है मुमताज महल का वहाँ जाने के लिए 245 रुपये लगेंगे, बाकी नीचे अगर आपको एंटर कर रहे हैं तो एंट्री के लिए 45 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर है, दूसरी बार आया हूँ मैं तो, बट प्रिया और माँ पहली बार आए हैं और दे आर रियली हैप्पी टू सी। बट उन दोनों का एक ही चीज़ रहता है, क्या है बिल्डिंग ही तो है, देख ली दैट्स ऑल। तो बाकी काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ हुई हैं, लड़ाइयाँ बातें, बाकी वैलेंटाइन डे है, इट इज़ रियली गुड इफ़ यू गाइज आर कमिंग विद योर फैमिली, मेनली विद योर वाइफ, विद योर गर्लफ्रेंड और योर माँ, है ना।
सो माँ से ऊपर कोई मोहब्बत नहीं है, तो दिस इज़ द वे वी आर सेलिब्रेटिंग आर वैलेंटाइन डे एंड या इट इज़ रियली गुड यार। सो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी तो दिल्ली जाना बाकी है यार, पूरा दिन ट्रैवल करना है यार, काफ़ी थक गया हूँ ऑलरेडी, दो दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे, तब तक के लिए बाय।